मांडना आर्ट को नई पहचान देंगी सवाई माधोपुर की ग्रामीण महिलाएं। सिटी लाइफ जयपुर। गांव के कुछ कच्चे घरों में सिमट कर रह गई राजस्थान की दुर्लभ फॉर्म मांडना को अब ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी। जवाहर कला केंद्र की चतुर्दिक आर्ट गैलरी में महाराष्ट्र के कला संस्थान आर्ट बैंड की 5 दिवसीय एग्जीबिशन में बुधवार को मांडना आर्ट फॉर्म का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। हम एक स्टूडेंट्स ऑफ एक आर्ट इंस्टीट्यूट है बैंडर स्कूल ऑफ आर्ट करके, उनके स्टूडेंट हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो बॉम्बे में महाराष्ट्र में जो काम करते हैं उसके अलावा हम लोगों ने सोचा कि चलो ये साल हम राजस्थान जैसी जयपुर सिटी है राजस्थान की, उसके अंदर हम जाके वहाँ कुछ कलाकृतियों का प्रदर्शन करें और वहाँ की कलाकृति का जो भी है उधर कुछ अनुभूति ले ले। उसी हिसाब से हम लोगों ने ये प्रयास से ये किया है और इस प्रयास में हम काफ़ी सफल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आज आए हैं ये जो सवाई माधोपुर से मांडना आर्ट करके जो एक बहुत ही लोक कला है, इस लोक कला का रियली हमको एक अनुभव लेने का था, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ उनको आमंत्रित किया है। खास बात यह रही कि इस आर्ट फॉर्म में परंपरागत रूप से पारंगत सवाई माधोपुर से आई महिलाओं ने महाराष्ट्र के कलाकारों को इसकी बारीकियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर चिन्मय मेहता ने बताया, मांडना विशेष रूप से त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता था। घर के चौक और दीवारों पर महिलाएं सफ़ेद, लाल और पीली मिट्टी पानी में घोलकर अंगुलियों में रुई लपेटकर मांडना बना लिया करती थी, लेकिन शहरीकरण के चलते अब ये लोक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। असल में क्या हुआ कि हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी जो देशज संस्कृति है वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी पूरे संसार की है। हमने सोचा है कि तो कोई ख़ास बात नहीं है, अपने घर में हर घर में होता है, पर जो विदेशी आता है वो अब गुड़गांव में खुश नहीं होता है, वो गांव में जाके खुश होता है। सही संस्कृति उसको लगता है भारत की गुड़गांव में नहीं है, गाँव में है, और गाँव की जितनी हमारी परंपराएँ हैं वो एक एक करके ख़त्म हो रही है। इसलिए ख़त्म हो रही है कि हमने उनको संरक्षण दिया ही नहीं। तो हमने ये कोशिश की है कि जब से आपके पक्के मकान बनने लगे हैं, हमने क्या किया कि वो मांडना के जो दीवार पे चित्र बनते थे सुंदर, वो ख़त्म हो गया। ज़मीन पे जो चौक बनता था वो तो होता है, लेकिन जो दीवार पे जो म्यूरल बनते थे जिसकी विदेशी तस्वीरें खींचते खींचते थक जाते थे, तो ख़ास तौर से ये कला जो है सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर के हर गाँव में जो अपना त्यौहार है मांडना के बिना बनता नहीं था। तो हमने ये कर दिया कि वहाँ से जो महिलाएं हैं जिनका अच्छा हाथ चलता है, जो चित्र दीवार पर अच्छा बनाती हैं, उनको कागज़ पर बनाना सिखा दिया। तो और हम दो काम कर रहे हैं कि एक तो इनको इसको लाइवलीहुड से जोड़ेंगे, ये जब तक इनके हाथ में पैसे नहीं आएंगे, आय का साधन नहीं बनेगा, तब तक ये कला आगे नहीं बचेगी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले तो इनको मोटिवेट किया हमने, कोई घर से बाहर निकलती नहीं है, अब वो घर से बाहर निकल के आई हैं, और अब इनको क्या करेंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे इंटरनेशनल लेवल तक, और इनके लिए मार्केट तैयार करके इनको और कैसे